चैनल पे मैं तेज प्रताप। दोस्तों देखिए हमारे साथ एक जो है खूबसूरत जोड़ी, और ये खूबसूरत जोड़ी सोशल मीडिया पे धमाल मचा रही है। हमारा जानने का प्रयास रहेगा कि ये खूबसूरत जोड़ी एक कब हुई और कब से जो है सोशल मीडिया पे जो है धमाल मचा रही है। क्या हुआ, हम चेंज कर लेंगे, डाइवर्ट कर लेंगे। तो कब से ये जो है खूबसूरत जोड़ी सोशल मीडिया पे धमाल मचा रही है आप लोग को बता दें। हमारे साथ है राधा राज जी, इनका नाम राधा है, इनके चैनल का नाम है राधा राज गोरखपुर। तो स्वागत है आप दोनों का हमारे चैनल पे। नमस्कार दोस्तों, मैं राधा राज गोरखपुर आप लोग का स्वागत करती हूँ नन्हे ओझा गांव की ओर चैनल में। तो गला तो जा चुका है लेकिन फिर भी नन्हे भैया मान नहीं रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए चलिए। YouTube की जर्नी कब से प्रारंभ हुई? अभी लमसम एक साल हो गया। एक साल YouTube की जर्नी हो गई। और हैप्पी कपल एज ए पति पत्नी कब जो है? 6 साल से शादी हुए। 6 साल हो गया। हमारा 5 महीने का लड़का है। हाँ। और 1.5 साल की लड़की। अच्छा, शादी कैसे हुई थी? लव मैरिज, अरेंज मैरिज? जैसे लव मैरिज थी, फैमिली को पहले नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, बाद में जब धीरे धीरे एक्सेप्ट हुआ तो कथा सुना के अपना रीति रिवाज से जो होता है अरेंज कर लिया। अच्छा, राधा राज जब शादी कर लेती हैं तो करने के बाद 5 साल बाद यूट्यूब पे आती है? 5 साल तक? 5 साल इंस्टाग्राम नहीं, पहले हम लोग टिकटॉक पे थे। तो लॉकडाउन में आपको पता ही है चाइना की चीज़ें बंद हो गई, जब इनका माने का टाइम हुआ तो बंद हो गया, तो उस पर हम लोग छोड़े। टिक्की पे आए, टिक्की पे अच्छा नहीं लगता था बनाने में, अभी भी टिक्की हालांकि यह बनाते नहीं है। फिर हम इंस्टाग्राम पे आए, इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के डालते गए डालते गए, हमारे 1,30,000 इंस्टाग्राम पे फॉलोअर, और उस पर भी हालांकि 5-6 महीने के अंदर। अच्छा, इंस्टा से कितना कमाए? इंस्टा से 1 रुपये, इंस्टा से हम लोग को 1 रुपये भी। ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए क्योंकि अनेकों अनेक लोग जो है इंस्टा पे प्रयास करते हैं। सुने हैं कि मतलब किसी चीज़ का प्रचार करते हैं, कोलाबरेशन का सिस्टम है। तो नहीं तो हम लोग ऐसे नहीं, क्योंकि हमसे अगर कोई बोलता है ना, वीडियो हमारे साथ बनाता है, बोलता है कि कोलाबरेशन कर दीजिए, तब भी हम कर देते हैं। अच्छा, यूट्यूब पे कितने दिन पहले आई थी? एक साल हो गया। 1 साल कम्प्लीट हो गया। अभी कितने सब्सक्राइबर हैं चैनल की? 3 लाख प्लस, नंबर 1 नंबर चल रहा है, आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद की वजह से। चैनल का क्या नाम है? राधा राज गोरखपुर। अच्छा, और एक चैनल और बनाए हैं राधा रामवीर शॉर्ट, उस पर सिर्फ शॉर्ट डालते हैं, उस पर भी 4,000 प्लस। अच्छा, अपने साथ जो है अपने साथ साथ अपने पति का भी चैनल खड़ा कर लिया। रामवीर आप ही का नाम है? जी, मेरा नाम है। तो आप एकदम पूरी तरीके से इनको जो है छूट दे दिए हैं कि आप सोशल मीडिया खूब धमाल मचाइए? छूट नहीं, जैसे हम लोग साथ में रहते हैं इसलिए साथ देकर काम करते हैं। जैसे देखिए सोशल मीडिया पे लोग काम करते हैं पति पत्नी जोड़े के साथ, तो आज भी समाज एक्सेप्ट नहीं करता, इस बात को मानते हैं आप लोग? सही है। हाँ। लेकिन जोड़ा अगर काम करता है यूट्यूब पे नहीं, हर एक चीज में, चाहे वो एल्बम हो चाहे सिंगिंग हो, अगर जोड़ा काम करता है तो बाहरी आदमी गाली नहीं दे सकता है, घर का ही देगा। घर का भी नहीं दे सकता है, घर के तो पहले, हालांकि मान लो अगर जैसे अगर बहू हो कुछ कर रही है और बेटा नहीं साथ दे रहा है तो बहू को तो गाली मिलनी ही मिलनी, और जब बेटा साथ है तो कोई भी नहीं दे सकता। कई इंटरव्यू में हमने देखा है कि आप अपने चैनल की कमाई से अपने हस्बैंड को जो है ऑटो खरीद के देती हैं, घर का भी खर्च शायद आप ही चलाती हैं, क्या सच्चाई है? नहीं, घर का खर्च हम नहीं चलाते हैं। यूट्यूब से मान लीजिए अगर जैसे आप लोग जानते हैं रोड पे कभी ज़्यादा कभी कमाई होती है ऑटो जो कि चलाते हैं, इस वजह से अगर इनके ऑटो की जो किस्त जाती है उसमें कम पड़ता है, तो हम लोग यूट्यूब का पैसा, क्योंकि जहाँ पे भी हम जाते हैं अपने ऑटो से जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको लगाना है। अच्छा, आपका ऑटो जो खरीदा गया है कमाने को कम, आपको लेकर के चलने के लिए जाता है? नहीं नहीं, जैसे चलाते हैं बाहरी भी चलाते हैं, फिर जैसे फ़ोन आता है कि शूटिंग है, आ जाओ चाहे कुछ भी, तो जैसे कि हस्बैंड का जाना जरूरी है, आप लोग जान सकते हैं, अगर नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत पारदर्शिता बनी रहेगी। देखिए कितनी अच्छी बात है, हस्बैंड जाएंगे, अगर हस्बैंड हमारे साथ जाएंगे तो अगर हमको कोई ले बोलेगा ना तो हम सीधा कान पे उसका कॉलर पकड़ सकते हैं, और जब हस्बैंड नहीं रहेंगे तो कुछ भी बोल के हम समझ चल जाएगा, तो वहाँ पे चुपचाप खड़े रहेंगे। गजब, ये पारदर्शिता जो है पति पत्नी के रिश्ते में बनी रहे। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना है कि एक
मर्द को मतलब बनाने में कामयाबी चाहे कुछ भी एक औरत का हाथ होता है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ तक लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरा सहयोग। अरे गजल, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, आपको जो है इतना बड़ा जो है प्रमाण दे रही है ये कि हमारे हस्बैंड हमको यहाँ तक ले आए हैं, सुर्खियों में ले जाएंगे आपसे। अगर हमारे हस्बैंड हमारा सपोर्ट सामने नहीं से थोड़ा इधर आ जाएगा, लाइट तब ज्यादा है, कैमरा से वो अटैच है ना, और शायद हम पीछे से आगे अपना खुद का एल्बम नहीं करते। चलिए, ये तो जो है आपका यूट्यूब पे स्ट्रगल है, आपकी लाइफ का स्ट्रगल है, एक 5 महीने का आपका बच्चा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि राधा राज को हमने सपोर्ट किया तो राधा राज के 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए। जी आप कह दीजिए तो आपका भी धन्यवाद ही हम करेंगे। अरे भैया, हम कैसे कह सकते हैं, हमारे पास नहीं। अगर आप कह देंगे कि राधा का इंटरव्यू लिया है तो उसका प्रमोशन हुआ है, तो हम आपका भी धन्यवाद करेंगे कि आपका धन्यवाद है कि आप हमारा नाम लिए तब हमारा प्रमोशन हो गया। अब मेरी समझ से, जहाँ तक ये मेरी समझ है कि अगर मेरे नाम लेने मात्र से, मेरे वीडियो बनाने मात्र से कोई वायरल हो जाता है तो इससे अच्छा काम कोई हो ही नहीं सकता है। क्यों? देखिए, मैं आप लोग को रियल बात बता दूं, जो महादेव भैया ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया। हाँ, अब आई है खुल के आप सामने, क्योंकि हमें ये चक्कर और कंट्रोवर्सी जो भी बोलते हैं इस सब मामले में पढ़ना नहीं आता, क्योंकि हम कम नहीं है किसी से, लेकिन हमें सोशल मीडिया पे अपनी इज्जत बनानी है, अपनी छवि को बनाना है। अगर हम 4 आदमी के सामने अगर अच्छे बनेंगे तो 4 आदमी हमारे पास आएंगे, अगर हम यूट्यूब पे गाली देंगे तो 4 आदमी दूसरे देखेंगे, अरे यही थी जो ब्लॉगिंग में गाली दी थी। और अगर हम उसको अच्छे से समझाएं, हालांकि वीडियो नहीं आया, आप देखे अच्छा, कंट्रोवर्सी में फ्रंट पे थी विष्णु राज के साथ, आप फ्रंट में थी, सच्चाई में थे, सच्चाई में थी, गाली नहीं दिए थे, वो बोल रहे थे ना कि गाली देने वाली हो गई है, बहुत बोलने वाली हो गई है, तो हम गोरखपुरिया भाजी को गाली नहीं दिए थे। हमारे गोरखपुर की वो बड़ी मतलब जो भी है यूट्यूबर, कहीं ना कहीं बड़ी आज भी मानते हैं आप लोग, मानी जाती हैं, मानेंगे, ऐसा नहीं है किसी को नहीं मानेंगे, हम मानेंगे, लेकिन अपने जगह पे। जब वो हमारे ऊपर उंगली उठाने लगेगा तो हम उनसे सवाल करेंगे, उनको गाली नहीं देंगे, सिर्फ उनसे सवाल करेंगे कि हमारी क्या गलती है कि आप हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे। तो उसी तरीके से मैंने सवाल किया कि अगर एक भी वीडियो में मैंने गोरखप्रिया भौजी के मतलब गोरखप्रिया भौजी को गाली दिया हो, वो वीडियो मेरे को दिखाओ। मैंने ऐसा गाली नहीं दिया तो मुझे वीडियो कहाँ से दिखाएंगे। जहाँ तक कि मेरा ऊपर वो सवाल खड़ा कर, जहाँ तक कि मेरा सवाल था यही था, शुरू से लेके अभी तक यही सवाल है कि गोरखप्रिया भौजी पहले कहीं ना कहीं उसका साथ है, लक्ष्मण गरीब है, उसका जाना तो पैसे देना चाहिए, करना चाहिए। तो मेरा बोल यही था कि आपको लक्ष्मण कहाँ से गरीब लगता है, उसके इतने इतने मिलियन व्यूज जा रहे हैं, कहाँ से गरीब लगता है। आप पहले खुद उसका साथ देने को बोली, और जब पूरे यूट्यूब पे आप देखे होंगे सब लोग गोरखपुरिया जी के खिलाफ हो गए थे, और जब वो देखे कि सब लोग मेरे खिलाफ हो रहे हैं तो लक्ष्मण को बायकॉट करने की बात करते हैं। वहाँ अश्लीलता का मुद्दा उठ जाता है, अश्लीलता है, बात सही है कि वो अश्लील वीडियो बनाता है, लेकिन हम उसके इंसानियत के नाते गए थे उसके घर कि उसके बच्चे का नाम था, कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे से कुछ सीखे कि मेरा बच्चा आ रहा है मेरे आगे, क्योंकि मेरा बच्चा वो थंबनेल दिखेगा तो बोलेगा मेरे माँ बाप कितने नीचपन से मुझे पैदा किए। वीडियो तो देखना, वीडियो देखना ही देखना, अधिकतर धर्म के मारे उसका जैसे थंबनेल लगा दिया, हम उसके साथ नहीं है, सिर्फ वो एक इंसानियत के नाते कि उसके बच्चे का